मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं और दूसरी ओर आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं 24 अकबर रोड कांग्रेस का यह मुख्यालय है। सोनिया गांधी जो कि इस वक्त अंतरिम अध्यक्ष हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट हैं पार्टी की, मोतीलाल वोरा भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त मौजूद। राहुल गांधी भी यहां पर कार्यक्रम में आए हुए हैं। झंडोत्तोलन इस वक्त हो रहा है कांग्रेस मुख्यालय पर और नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं प्रदेशवासियों के लिए वो सुन लीजिए। एक एक को जांच कर लीजिए, बड़ी खुशी की बात है कि कुछ बढ़ता होने लगे। अब इससे अच्छा क्या है? और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान इस साल जान लीजिए सब जगह जो बचा हुआ है उसमें भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब बाढ़ पीड़ितों में 14 अगस्त तक 15,739 परिवारों को ग्रेचुटस रिलीफ राशि का भुगतान किया जा चुका है। 900 करोड़ से अधिक राशि का वितरण हो चुका है। अब इसके बाद हम कुछ आपको और सूचना दे देना चाहते हैं। हमारा शुरू से था कि विधि व्यवस्था और अपराध अनुसंधान को दो अलग हिस्से में बांटा जाए हर थाने में। अब वो काम आज से शुरू हो गया है। अब थानों में पदस्थापित पदाधिकारी अब अलग अलग दो इकाइयां विधि व्यवस्था इकाई और अनुसंधान हिस्सा इकाई में काम करेंगे। आज से 15 अगस्त से लागू हो गया अपराध नियंत्रण हेतु पेट्रोलिंग की व्यवस्था। आप उसमें पेट्रोलिंग में निकला है या पेट्रोलिंग नहीं करके बगल में कहीं बैठ गया, एक एक चीज पर नजर रखने के लिए सभी पेट्रोलिंग वाहनों में जीपीएस यंत्र लगाया जाएगा जिससे पेट्रोलिंग पर निगरानी रखी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन की राशि हर महीने हस्तांतरित की जाएगी। और जैसा हमने कहा कि जितने सभी पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाना है बन गया, कुछ जगह पर आगे बनना है काम चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया कि इस साल से अप्रैल 2020 से सभी पंचायतों में 9वें क्लास की पढ़ाई शुरू, ताकि उच्च माध्यमिक विद्यालय का काम शुरू हो जाए। और सभी जिलों के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उत्पन्न कराई जाएगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पटना के सभी डीजल चालित ऑटो रिक्शा को रूपांतरित कर सीएनजी चालित ऑटो रिक्शा में बदला जाएगा। जिन अन्य शहरों में सीएनजी का नेटवर्क उपलब्ध होगा वहां भी इस काम को रखा जाएगा। और एक बात की हम जानकारी दे देना चाहते हैं, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसको देखते हुए पिछले साल हम लोगों ने डीजल अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपया प्रति लीटर कर दिया था। आज मैं बता देना चाहता हूं कि अब इस वर्ष डीजल अनुदान की राशि प्रति लीटर बढ़ाकर 60 रुपया कर देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसलिए एक एक काम के लिए हम लोग सजग हैं, सक्रिय हैं, हर तरह से कोशिश करते रहते हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रखना चाहिए। बिहार तरक्की करेगा, हम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा, सबके सहयोग सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव और भाईचारा का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित किया जा सके। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को राष्ट्र के मानचित्र पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान की कार्य योजना को लागू करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहारवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और अब सब बोलिएगा जय हिंद। हम बोलेंगे पहले जय हिंद, उसके बाद आप सब बोलिएगा जय हिंद। 3 बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।